पता नहीं वो बटन दबा। हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी दंचल। और आज हम जा रहे हैं नई जगह तीर्थन वैली और एक नए विलेज को कवर करने। गाइस, आज मैं जा रही हूँ तीर्थन वैली, जो कि अराउंड 22 किलोमीटर और 56 मिनट्स का रास्ता है, अराउंड एक घंटा, क्योंकि रोड भी ख़राब है। और कितना सारे विलेजेस हैं यहाँ पे, लोग यहाँ कैसे रहते हैं, गाड़ियाँ जहाँ जाती नहीं है, लोग कैसे रहते हैं। आपको पता है कैसा विलेज है जिसको ट्रैक अराउंड 2 दिन का है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती और वहाँ पे सारी टेक्निक जो है वो US ने भेजी है। पहले ही बताया इसके बारे में आपको। अगर उस विलेज का नाम पता तो मुझे कमेंट करके बताओ। एक और चीज़ मैं गिव अवे भेज रही हूँ उनको, जिनको अगर इस रिवर का नाम याद है, जो जिप्पी में फ्लो हो रही है, मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी रिवर है जो जिप्पी में फ्लो हो रही है। पर गिव अवे उसी को जाएगा जो पहला जना कमेंट करेगा इस रिवर का नाम क्या है, और वो जिप्पी का लोकल कुछ गिव अवे होगा, स्टे भी हो सकता है। हाँ, इट कैन बी एनीथिंग, सो कमेंट करके बताओ। सो गाइस, अगर आप तीर्थन एक्सप्लोर करना चाहते हो जिप्पी से, तो पहली चीज़ आपको अपना लोकल व्हीकल या फिर टैक्सी करनी पड़ेगी। मगर मतलब अगर आप अपना व्हीकल लेके आते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल रास्ता बहुत ख़राब है नेशनल पार्क के लिए, हम जा रहे हैं तीर्थन नेशनल पार्क आज। सो रास्ता बहुत ही एंड आपके साइड में नदी बह रही है, आई एम नॉट श्योर इसका नाम क्या, मैं देखने में बात करूँ आप से इसका नाम क्या है। और नेशनल पार्क अभी बना नया तीर्थन है और उसका रास्ता कितना खराब। सो अगर आप अपना व्हीकल नहीं ले रहे हो और बसेस में घूम रहे हो, तो देर इज़ अ बस स्टैंड इन बंजार, उसके बाद आप लोकल बस में घूम सकते हो बंजार के बस स्टैंड के बाद, जो कि अराउंड 10-15 किलोमीटर नीचे है मेन जिप्पी से। सो गाइस, अगर आपको नेशनल पार्क जाना है तो यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, यही जो नीचे वाला रास्ता पैदल पैदल जा रहा है, एग्जैक्टली यही जो देख रहे हो ये आपका जा रहा है नेशनल पार्क के लिए। गाड़ी जो है एग्जैक्टली वहीं पार्क होगी जहाँ पे हिमाचल प्रदेश की गाड़ी एक पार्क है छोटी सी, मगर हम जा रहे हैं ऊपर विलेज की तरफ, क्योंकि मैं हूँ इस वक्त तीर्थन वैली में और तीर्थन वैली है बहुत बड़ी। सो मैं जा रही हूँ ऊपर विलेज की तरफ, मैं ट्रैक पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं कल ऑलरेडी ट्रैक करके आई हूँ। और अगर ये ट्रैक स्टार्ट करना है तो अगेन यू शुड स्टार्ट द ट्रैल इन अर्ली मॉर्निंग, सो दैट यू मतलब तुम लोग रुक पाओ। हम तीर्थन वैली में और तीर्थन का कोई विलेज आया, अगर आप ये टूटे कित कौन सा तीन्द्रा विलेज, तो उससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी गाइस, यहाँ का आखिरी स्टॉप है तीन्द्रा विलेज। अगर जाती भी होगी तो मैं ऊपर चढ़ के बताती हूँ आपको। इतने ख़राब रास्ते को पार करते हुए आप यहाँ पहुँचोगे, नीचे कैंची से रास्ता कटता है इसका, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो नेशनल पार्क। अभी मैं आई हूँ ऊपर विलेज की तरफ और ऊपर व्यू है, कहते हैं वाटरफॉल भी है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर जा रही हूँ देखने के लिए। मतलब आप जिप्पी से अगर यहाँ आना चाहो तो एटलीस्ट 2-3 घंटे स्पेयर करके लाना, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है कि यू हैव टू स्पेयर द टाइम। तो तीर्थन वैली में ऐसी जगह भी है जहाँ पे मतलब यू नो अभी तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे रोड्स नहीं होगी, लोग पैदल जाते होंगे, नेशनल पार्क तक भी कोई रोड नहीं जाती, तो यहाँ पे भी अभी रोड्स बन रही है। आई एम प्रीटी श्योर इस बगीचे का भी कोई मालिक होगा ही होगा। आई लव दिस फूल्स ना, ये मैंने तो अभी रास्ता पूरा बन रहा है, अभी बना नहीं है, एंड आई एम नॉट श्योर वाटरफॉल कहाँ पर है। आवाज़ तो आ रही है पर वो रही सामने से एग्जैक्टली, सो एग्जैक्टली वो रहा वाटरफॉल और तीर्थन वाटरफॉल।
हेलो, आपका नाम क्या है? रचना। नाम क्या है आपका? निम्पल। यहीं रहते हो आप? अच्छा, और उनका नाम क्या है? हाय, मैं अभी तक कहीं लास्ट ले जाए, जहाँ पर तीर्थन वैली में गाड़ी जाती है, मगर यहाँ के लोग बात नहीं करते। मैंने पूछा मैं बात कर लूँ आप लोगों से कैमरे में, तो इन लोगों ने आपके बारे में कुछ बताना ही नहीं है। बट यहाँ पे घर लोग बहुत पुरानी बनी हुई है सारी ऐसे। मेरा नाम साक्षी, आपका नाम क्या है? नहीं बताना। किसी को पानी में चलना है, कूदना है, ऑल दो गाड़ी तक नीचे आ सकती है इस जगह पे, और आप आके पानी में बैठ सकते हो पैर रख के। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? मैं साक्षी सुसाइड नहीं करना, ठीक है ना? देख, मेरे को पता है तू इस दुनिया से अक चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू सुसाइड कर ले, ठीक है? मुझसे थक चुकी है, तो सुन रहे हो गाइस, ये मुझसे थक चुकी है, ठीक है? तो अब ये सुसाइड करने जा रही है। नहीं साक्षी, नहीं प्लीज़ यार, नहीं सुसाइड मत करियो। देख देख, तेरी यूट्यूब फैमिली को तेरे से बहुत प्यार है, तेरी फैमिली को तेरे से बहुत प्यार है। चूचू क्या होता है? अंकल आंटी सुन रहे हो, गालियाँ देने भी शुरू हो गई है ये। आज के वीडियो में देखा हमने अनएक्सप्लोर्ड विलेज, और मैं आ गई हूँ कैफे कुछ खाने, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। सो आज के लोग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ इस कैफे के साथ, और आप मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सी रिवर मेरे सामने है। मैं गई थी आज तीर्थन वैली। अगर आप तीर्थन वैली जाना चाहते हो तो आप बस ले सकते हो, क्योंकि बस जो है वो अवेलेबल है और ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है। बस मिलेगी आपको बंजवार से, जैसे यहाँ पे भी लोकल बसेस चलती है, तो आपको थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ेगा। वैसे 20 मिनट में एक बस आ जाती है, एंड इट्स नॉट कॉस्ट मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू विद नेक्स्ट ब्लॉग टुमारो। और मैं कल ब्लॉग में 5 ऐसे प्लेसेस शेयर करने वाली हूँ जो कि बजटेड होगी, और जो कि मतलब वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो जेबी में और जेबी के नियर बाय। एंड टुमारो ब्लॉग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, आई एम टेलिंग यू। सी यू।